हे गाइस, यू वॉचिंग ट्रेक स्पीक्स। मैं हूँ आयुष। एंड रिसेंटली मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से जो अमेजोन पे बैलेंस इकट्ठा हुआ था, तो अमेजोन पे बैलेंस दैट आई कलेक्टेड विद द माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स, आई हैव बॉट दिस कंट्रोलर विद इट। मैंने उस बैलेंस से ये कंट्रोलर बाय किया है। इट कॉस्टेड मी 2800 रुपीज। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फोन के साथ कैसे यूज करना है। तो जैसा ब्लूटूथ डिवाइसेस को पेयर करते हैं वैसे ही करेंगे। करंटली ये मेरे डिवाइस से अभी पेयर है भी, लेकिन मैं फिर भी पेयरिंग प्रोसेस शुरू से दिखा देता हूँ। तो लेट मी जस्ट कीप माय हेडसेट असाइड एंड यू कैन सी द डिवाइस एट द राइट एंड ऑन माय लेफ्ट द कंट्रोलर इज देयर। तो आपको शेयर और पीएस बटन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी है, एक साथ होल्ड करनी है। यू गॉट टू होल्ड बोथ द बटन्स टुगेदर टिल दिस लाइट स्टार्ट ग्लोइंग। ये लाइट जब ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, आप समझ जाइए कि ये पेयरिंग मोड में है। और यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में पेयर अ न्यू डिवाइस पे टैप कर देना है। यू वुड बी एबल टू सी योर कंट्रोलर एंड इट इज पेयर्ड नाउ। यू कैन सी दैट द बैक लाइट इज ग्लोइंग। एंड मैं आपको यहाँ कंफर्म करा देता हूँ कि ये जो टच पैड है, द ट्रैक पैड दैट यू गेट विथ इट, ये आपका एंड्रॉइड के साथ वर्क करता है या नहीं। आप ये जो टच पैड है ये एंड्रॉइड के साथ वर्क करता है या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोलर को किसी दूसरे मोड में नहीं डाला है। और मैं यहाँ पे टच पैड को स्वाइप कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। ओके, यू कैन सी। एंड इफ आई मूव द एनालॉग स्टिक एज वेल, तो यहाँ पर भी इनपुट रिसीव हो रहा है। जब मैं एनालॉग स्टिक को मूव कर रहा हूँ, इट इज टेकिंग द इनपुट व्हाइल आई एम मूविंग द एनालॉग स्टिक। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर ईवो गेमपैड प्रो 3 की बात करें, तो जब ये ब्लूटूथ मोड में वर्क करता था व्हेन इट्स बैटरी वाज फाइन, तो मुझे माउस बटन को प्रेस करके इसे माउस मोड में डालना पड़ता था और जो कर्सर स्क्रीन पे आता था उसको इस एनालॉग स्टिक से कंट्रोल करना पड़ता था। एंड एट दैट टाइम, उस वक्त ये गेमपैड मोड में वर्क नहीं करता था। आप कोई भी की प्रेस करेंगे उसके लिए अलग सेटअप था माउस मोड का, बट ऐसा इसके साथ नहीं है। साइमल्टेनियसली यू कैन जस्ट यूज द ट्रैक पैड, कैन यूज द ट्रैक पैड एंड एट द सेम टाइम इट इज पेयर्ड एज अ कंट्रोलर एज वेल। हियर यू कैन सी कि कर्सर भी वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसकी एनालॉग स्टिक से इनपुट देता हूँ तो आपको यहाँ पे चेंजेस भी दिखाई दे रहे होंगे। ओके, दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि ये ट्रैक पैड जो इस कंट्रोलर में दिया हुआ है ये वर्क करता है दूसरे डिवाइसेस के साथ कि नहीं। क्योंकि अमेजोन का जो प्रोडक्ट पेज है उस पर तो ये मेंशन था कि ये जो टच पैड है और यहाँ पे जो माइक्रोफोन का जैक दिया हुआ है 3.5 mm jack that it has with it, it works only with the PS4। और जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कुछ यूजर्स के साथ भी बात की तो उन्होंने बताया कि जब ब्लूटूथ के द्वारा पेयर किया जाता है, when we pair using the Bluetooth, it works, the trackpad works to bring the cursor on the screen. When I talked with the other customers, with the other people who already have this controller, this is the truth regarding it. I mean, the product page at the Cosmic Bytes official website and the Amazon's product page both mentioned that these two things work with PS4 only. Okay, so that's all for this small video. And if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel in order to buy this thing. अगर आपको ये खरीदना है तो आपको link डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।